नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉम्बो कीबोर्ड माउस की रिव्यू किया था, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड था आरजीबी वाला। तो उसके नीचे अभी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई ऐसा कीजिए, आपके सस्ते वाले कीबोर्ड की रिव्यू कर दीजिए जो कि हमारे काम में आ जाए, क्योंकि हर किसी को ये महंगा वाला कीबोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास कम पैसा है वो इस जुगाड़ में रहता है कि हम कोई सस्ता वाला कीबोर्ड ले, काम चलाए, थोड़े दिन यूज करें, अगर टूट भी गया तो नो टेंशन, हम फेंक भी दें। या तो फिर आपके पास इंस्टीट्यूट है किसी प्रकार की, उसमें आप बच्चों को लैपटॉप या डेस्कटॉप चलाना सिखाते हैं, उसके जगह पे आप ओरिजिनल कीबोर्ड या बढ़िया वाला कीबोर्ड तो कतई नहीं लगाएंगे, उस जगह पे आपको सस्ता वाला ही कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता वाला कीबोर्ड टूट जाएगा तो भी कोई ज्यादा गम रहने वाली बात नहीं है। उसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए बढ़िया सस्ते वाले कीबोर्ड की रिव्यू किया जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी गुजारिश है यार, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करके रहोगे तभी हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास चार कीबोर्ड है, 1, 2, 3 और ये 4। पहली कंपनी है फॉक्सिन, उसके बाद दूसरी कंपनी आती है पुंटा, उसके बाद तीसरी कंपनी आती है ब्लू फीडर, और उसके बाद थोड़ा जो माना जाना कीबोर्ड अभी आता है सस्ते में वो आता है जेब्रॉनिक। तो चलिए हम सबसे पहले जेब्रॉनिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स की पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग काफी बढ़िया है, अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे समझ से काफी बढ़िया है। इस साइड में आपको यूएसबी कीबोर्ड लिखा मिल जाएगा, इस साइड में जेब्रॉनिक और यहाँ पे भी मॉडल नंबर और यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा। पीछे के साइड में आपको यूएसबी कीबोर्ड और जेब के 35 इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे बात करेंगे कि इसे मैंने कितने में खरीदा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा लव लेटर मिल जाएगा, उसके बाद हम डब्बे को रख देंगे साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको नमलॉक भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला कीबोर्ड है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफी बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको काफी देर तक यूज भी किया, हर एक कीबोर्ड को काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। और अगर इसमें केबल की लेंथ की बात करूँ तो 1.2 मीटर आपको केबल मिल जाएगा, और पीछे के साइड में अगर देखो तो यहाँ पे आपको ये स्टैंड मिल जाएगा कीबोर्ड का। अगर आपको यूज करना रहेगा तो बस आपको ऐसे रखना है, प्रॉपर इस तरीके से यूज कर पाएंगे। इसके अंदर भी आपको रुपीस का अलग से बटन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट है या उसके स्टूडेंट हैं या किसी तरीके से आप टाइपिंग वाइपिंग करते हैं जहां पे आपको जरूरत पड़ती है, तो आप इस कीबोर्ड को खरीद सकते हैं। चलिए हम दूसरे वाले कीबोर्ड की बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी वही चीजें हैं, ब्लू फीडर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। यहाँ पे इनका मॉडल नंबर लिखा है BK300। पीछे की साइड में भी थोड़ा बहुत चीजें लिखी गई है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम बॉक्स को खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको कीबोर्ड की जो लेंथ है 1.2 मीटर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिक की मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 लाइट्स आपको मिल जाएंगे, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक और एक स्क्रॉलिंग का मिल जाएगा। इसमें भी आपको पीछे की साइड में 2 आपको स्टैंड मिल जाएंगी, देखिए। उसके बाद अगर मैं टाइपिंग की बात करूँ तो टाइपिंग काफी बढ़िया हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो जेब्रॉनिक वाले से काफी हल्का बिल्ड क्वालिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगा इस वाले का कीबोर्ड, क्योंकि इसके जो कीज है कभी कभी मैं प्रेस करता हूँ तो कभी छपता है कभी नहीं छपता है, तो इस जैसे मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन उसी हिसाब से आपका जेब्रॉनिक वाला कीबोर्ड काफी बढ़िया है। अगर मैं इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करूं तो ये कीबोर्ड आपको 230 रुपए में ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाता है। ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है, अगर ऑनलाइन लेंगे तो हो सकता है 10-5 रुपए थोड़ा सा महंगा भी मिल जाए। अब पुंटा की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ऊपर में भी इनकी ब्रांडिंग है, यहाँ पे इनका मॉडल नंबर लिखा है, यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी कुछ लिखी है, साइलेंट की, टेक्निकल, हाई क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि 5 रुपए में मोहम्मद का ओरिजिनल गाना नहीं मिलता है। वैसे दूसरे कीबोर्ड से अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी मुझे बढ़िया लग रहा था यार, लेकिन जब मैंने इसको देखा यहाँ काणिये को तो थोड़ा सा मेरा दिल पीछे हट गया, क्योंकि इसे मैं बोलने वाला था कि आप लोगों को लेने के लिए, लेकिन क्या करें, शायद से ये ट्रांसपोर्टिंग में टूटा या किसी तरीके से यहाँ पे दब के टूट गया है। और यहाँ पे आपको रुपीज का अलग से साइन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको मैं जो दूसरा वाला कीबोर्ड बताया था ब्लू फीडर में, उसमें आपको रुपीज का सिंबल नहीं मिलता है। पीछे के साइड में इसको आपको स्टैंड मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसको आराम से इस तरीके से आप रख के यूज कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे हिसाब से पुंटा वाला बढ़िया था यार, लेकिन ये टूटा है, इस वजह से मेरा दिल टूट गया है, नहीं तो मैं आपको ये बोलने वाला था कि ये कीबोर्ड आपको लेना चाहिए। वैसे जो इसका कीबोर्ड है ना, इसके जो बटन्स है वो रिप्लेसमेंट वाले हैं, यानी अगर आपके पास सेम कीबोर्ड है और उसका बटन किसी तरीके से टूट गया या खराब हो गया है, तो नॉर्मली आप यहाँ से पकड़ के स्क्रूड्राइवर से खींच के इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको निकाला है, वैसे ये कीबोर्ड आपको लेना चाहिए, काफी बढ़िया था। इसकी जो साइनिंग वाइनिंग है काफी बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन अब ये एक बटन जो टूट गया उसी वजह
वजह से मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि मत लीजिए, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे जगह से आता है, चाइना से आता है, तो कहीं उठक पटक हुआ उसकी वजह से टूट गया होगा। वैसे आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए। सबसे पहले अगर पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे चारों कीबोर्ड है उनके भी पैकेजिंग काफी बढ़िया ही थे। ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिल जाएगी, यहाँ पे इनका मॉडल नंबर मिल जाएगा, इस साइड में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पीछे की साइड में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा, यहाँ पे केबल और फलाना ढिमका, यहाँ पे आपको एक साल की वारंटी मिल जाएगी। लेकिन एक साल की वारंटी मेरे हिसाब से मिलता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 450 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन ये कीबोर्ड आपको मात्र 250 रुपये में ऑफलाइन मिल जाती है या ऑनलाइन भी मिल जाती है। ऑनलाइन जब ऑफर रहता है तो सस्ते में भी मिलने लगती है। चलिए हम डब्बा खोल लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉक्सन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ आपको 3 कलर मिल जाएंगे, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल का। पीछे के साइड में अगर मैं बात करूँ तो पीछे के साइड में आपको 2 स्टैंड मिल जाएंगे कीबोर्ड रखने के लिए, और यहाँ पे स्टिकर लगा है। जब आप रखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे घर में यूज कीजिए, ऑफिस में यूज कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसमें भी आपको 1.2 मीटर्स की केबल देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे आप कितना भी प्रेस कर ले देखो कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे अगर किसी से अगर आपका लफड़ा फड़ा हो गया हो तो ये कीबोर्ड सस्ता भी है, उससे आप धो भी सकते हैं इसे, और आपको खेलना वाला भी है तो ये आपको बैट भी बन सकती है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, क्योंकि एक के साथ आप 2-3 काम कर सकते हैं। मजाक की बात है यार, उसको दिल पे मत लेना। चलिए अब हम एक साथ चारों कीबोर्ड को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों कीबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। मैं वेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेट अगर निकल के आता है तो जेब्रोनिक वाले का, और उसके बाद फॉक्सिन का कीबोर्ड का वेट है थोड़ा सा, उसके बाद पुंटा का वेट है, उसके बाद ब्लू फीदर का वेट है। अगर आपको थोड़ा छोटा कीबोर्ड चाहिए तो आप पुंटा वाला ले लीजिए, और थोड़ा बड़ा कीबोर्ड चाहिए तो आपको फॉक्सिन और इन सब चारों में से कोई भी कीबोर्ड आप ले लीजिए। और अगर आपको जो टेक्स्ट लिखा है वो अगर आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ चाहिए तो उस टाइम पे भी आपको पुंटा वाला कीबोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट लिखा है ये काफी बड़ा बड़ा लिखा है फॉक्सिन के कंपेयर के हिसाब से। देखो फॉक्सिन में काफी छोटे लिखे हैं और इसमें आपको बड़े बड़े लिखे हुए मिल जाएंगे, इसमें भी आपको छोटे लिखे हुए मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको थोड़े बड़े जेब्रोनिक भी मिल जाएंगे। और कीबोर्ड के अगर फील के हिसाब से अगर आप खरीदो कि कौन बढ़िया फील देता है यूज करने के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला कीबोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी बढ़िया चलता है मार्केट में आज के टाइम पे। देखो वैसे चारों की ना बिल्ड क्वालिटी ज्यादातर सेम ही है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको 225 और 250 रुपए तक के सारे कीबोर्ड मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, नॉर्मली यूज करना चाहते हैं, अगर आप टूट भी गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो आपको ऐसे ही कीबोर्ड खरीदना चाहिए कि टूट भी जाने के बाद आपको नो टेंशन नो फिकर होना चाहिए। तो अगर आप खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों के लिंक दे दिए है, वहां से जाके आप किसी को भी खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि हम ऐसे ही दमदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।